हो जाती है हमसे कुछ गलतियां फेसबुक के ऊपर और हम चाहते हैं कि भाई हमारा अकाउंट हो जाए अब डिलीट, बस ये किसी को नहीं मिलना चाहिए, या फिर वट एवर आपकी लाइफ में इसके लिए क्या रीजन है क्या नहीं है, मैं तो नहीं जानता लेकिन आप जरूर जानते होंगे। या फिर हो सकता है आपने बनाना हो एक नया अकाउंट और आप चाहते हो पुराना हो जाए डिलीट, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड को पता चल चुका है आपका पर्सनल अकाउंट और आप चाहते हो जाए बस ये डिलीट। तो भाई आज आप लोगों को यही सिखाऊंगा कि कैसे आप अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हो और इससे छुटकारा पा सकते हो। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरा नाम है साजन कुमार और सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। जय है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट भर्ती गवर्नमेंट जॉब एजुकेशन टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो ये मेरा फेसबुक अकाउंट है, जिसने जुड़ना है मेरे साथ जरूर जुड़ सकता है, आप लोगों को लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल साजन कुमार सर्च कर लेना तो आप देख लो, फोटो तो आपने देख ही लिया। तो इसी अकाउंट को मैं डिलीट करके दिखाऊंगा, डिलीट नहीं करूंगा सिर्फ आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये मेरा अकाउंट है, चाहे आप मोबाइल से करना चाहे कंप्यूटर से एक ही है। तो मोबाइल से करोगे तो तब भी आपको ऊपर एक ऑप्शन आता है सेटिंग का, उसमें जाना, जैसे आप करोगे तो आपको ऑप्शन आएगा सेटिंग का, ठीक है, सेटिंग पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करते हो उसके बाद कुछ मत करो। ये मेरी ईमेल आईडी है, अगर किसी ने नोट करनी है, कोई विजिट करना चाहता मेरे अकाउंट पे तो आ सकता है। उसके बाद आप लोगों को एक ऑप्शन आता है योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कैफे चले जाना या फिर मोबाइल में भी आपको ये ऑप्शन आ जाएगा सिक्योरिटी एंड लॉगिन प्राइवेसी के पास लिखा होगा योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन, बस यहाँ पे क्लिक कर देना। इसके बाद देखो सबसे नीचे डिलीट योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन परमानेंटली, ये वापस नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो डीएक्टिवेट करना तो वो भी एक ऑप्शन होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा अगर आप लोगों को चाहिए। तो फिलहाल हमें करना है अकाउंट को डिलीट, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। देखो यहाँ पे जब मैंने डिलीट किया तो शायद मेरे को यहाँ पे भी दो मैसेज दे दे डीएक्टिवेट का। हाँ, तो देखो यहाँ पे डीएक्टिवेट का भी ऑप्शन है, डीएक्टिवेट होता है टेम्परेरी, आप इसके बाद लॉग इन करके इसे ऑन कर सकते हो, लेकिन जब आपने परमानेंट कर दिया यहाँ पे क्लिक तो भाई कुछ भी नहीं बचेगा। तो चलो मैं कर देता हूँ परमानेंट। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया दोस्तों, इसके बाद ये मुझसे पूछता है पासवर्ड, पासवर्ड डालने के बाद मेरा अकाउंट डिलीट हो जाएगा। मेरे को 14 से 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, अगर मैं दोबारा लॉग इन कर लेता हूं तो मेरा अकाउंट बच जाएगा, अगर मैंने 15 या 16 दिन के अंदर लॉग इन नहीं किया तो मेरा अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना पासवर्ड डाल के अकाउंट डिलीट कर सकते हैं और 15 दिन के बाद लॉग इन करके देखेंगे तो वही नहीं लॉग इन हो पाएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आप मेरे साथ इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर पे नहीं जुड़े तो फिर यार आप मेरी फैमिली मेंबर भी नहीं बने अभी तक। तो जल्दी से अगर आप भी चलाते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी, और फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम जो भी चलाते हो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का लिंक है साजन एनालिसिस 321, सर्च कर लो, और भाई अगर इसका चाहिए तो कुमार साजन 072 सर्च कर लेना फेसबुक पे, वो मिल जाएगा। बस भैया इतनी सी कहानी है, ट्विटर पे भी आपको मिल ही जाएगा, सर्च कर लेना साजन आपसे समझ आया क्या, तो वो भी मिल जाएगा। तो मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, समझ आया क्या।